एक नई रेसिपी ट्राई करेंगे, है ना लव? चलो है ना लव, ये देखो, चलो नई रेसिपी ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम बनाएंगे। कैसे बनती है खा के बाद में बताएंगे, पहले देखते हैं कि बनेगी कैसे। इस रेसिपी का क्या नाम है ये मैं बाद में आपको बताऊंगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें बनाना कैसे है और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ मैंने लिया है बेसन और साथ में डाले हैं मैंने अपने चार मसाले जो कि होते हैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। साथ में डाले हैं मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूट के और कसूरी मेथी। ठीक है, तो जैसे हम कढ़ी के लिए पकौड़े बनाते हैं ना, बस वैसे ही बनाना है। बस इसमें प्याज नहीं डालना, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, बट मैंने प्याज नहीं डाला। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे और इनके जैसे पकौड़े तलते हैं वैसे तलेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल भी, सरसों का तेल है ये, इसको गर्म करने के लिए रखा है और हम बनाएंगे अब इनके जैसे पकौड़े बनते ना वैसे। तो ये कुछ इस तरीके का घोल बनेगा, ये देखो, ना ज़्यादा, ये देखो, ना गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इस तरीके का। तेल भी मेरा गर्म होने वाला है, यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े, बड़े बड़े बनाती हूँ ज़रा, अब मैंने यहाँ पर ये ले लिए दही। अब हम इसमें मिलाएंगे, चलो पहले मिला देती हूँ फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही में मिलाए हैं नमक, आपके पास काला नमक है तो काला नमक भी डाल दो, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें जो सादा नमक होता है वो डाला है। साथ में कसूरी मेथी और काली मिर्च का पाउडर है और मैंने डाली है इसमें चीनी, तो चीनी आधा चम्मच डाला है। चीनी से ये मीठा तो नहीं लगेगा लेकिन एक कहते हैं ना एक अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। तो चलो अब इसमें पानी डालते हैं और इसको भी अच्छे से, जैसे उसका हमने बैटर बनाया था बेसन का, वैसे बनाना है इसका भी। तो ये देखो इसका कैसे घोल होना चाहिए, ऐसा, ये ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही गाढ़ा है, क्योंकि इसमें अभी हम ये जो मैं तल रही हूँ ना पकौड़े जैसे वो डालेंगे, तो ये थोड़ा सा कम तो हो जाएगा, इसलिए इसका जो पेस्ट है, क्या बोलेंगे इसको, घोल है, वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम ना इनको डायरेक्ट, पहले मैं गैस बंद कर देती हूँ, अब हम इनको डायरेक्ट दही के घोल में डाल देंगे। तो ये देखो मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अब हम ना पहले इसको अच्छे से मिला लेते हैं, इसको रेस्ट करने के लिए देंगे 15 से 20 मिनट, ताकि ये जितने भी मैंने बनाए हैं तो सारा दही को है सोख ले अच्छे से। तो ये फूल जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो मैं इन्हें ढक के रख देती हूँ 20 मिनट के लिए। तो मुझे तकरीबन जो है 20 मिनट हो गया और ये देखो काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुके हैं, और बनाना भी देती हूँ। और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा प्याज, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये देखो आ गया बनाना मास्टर, रुको मैं खोलती हूँ, रुक जा। तो चलो तड़का लगाते हैं, पहले मैं इसको बनाना दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखो तड़के के लिए यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, थोड़ा सा तेल, और इसमें अब हम डालेंगे जीरा और लाल मिर्च। तो ये इसके ऊपर मैंने जीरा और लाल मिर्च का तड़का डाल दिया है बस। अगर आप इसको इंस्टेंट खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं, बट मेरे पास टाइम है तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये देखो रात के 9 बज रहे हैं और अभी तक बारिश हो रही है, मतलब दिन के 12:30-1 बजे से लेके अभी तक लगातार बारिश हो रही है। क्या है? हाँ दो, इधर दो। और मैं बना रही हूँ यहाँ चाय, खाना हमने खा लिया, अब हम चाय पियेंगे क्योंकि भैया हेमंत भी बारिश में भीग कर आया है और हमें भी मन कर रहा ठंड में एकदम चाय पीने का। तो चाय बन रही है मेरी यहाँ पे और लव यहाँ पे टॉफ़ी खा रहा है। लव चलो पहले हैंड वॉश करो, चलो देखो इधर ले जा रहे हैं, अभी ले जा रहे हैं, इधर देखो यहाँ पे देखो कहाँ जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो मैंने मेरे ख्याल से मैंने वो नहीं किया, क्या कहते स्टार्टिंग नहीं करी ना वीडियो की, सब दिखा दिया मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, वीडियो की स्टार्टिंग नहीं करी। तो वीडियो की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं, लव बताएगा हम कहाँ जा रहे हैं। लव
अब्बू नाना जी के यहाँ, लव के अब्बू नाना जी यानी कि मेरे दादाजी के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आज है थर्सडे और लव के स्कूल की है छुट्टी और हम रिक्शे पे बैठे हुए हैं क्योंकि रिक्शे वाले भैया जो है मेरा गीला नोट जो है वो सुखा रहे हैं, 100 का नोट है वो गीला हो गया है, उसे सुखाने पर लगे हैं क्योंकि वो नोट है मेरे इसी ड्रेस के अंदर रह गया था और बारिश में वो गीला हो गया, उसे सुखा रहे क्योंकि अगर वो अपना नोट वो नोट अंदर रखेंगे तो वो फट जाएगा। तो बस हम वेट कर रहे हैं, बस ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर यहीं पर जाना है, पर लवनर जाएगा नहीं पैदल, वो भागेगा इधर उधर, तो मैं चलो रिक्शा कर लेते हैं तो जाएंगे, तो वो वहाँ मेरी मम्मी रहती तो मम्मी के पास भी जाएंगे, बुआ रहती बुआ के पास भी जाएंगे। लव ने तो सुबह भैया 5:30 बजे से परेशान कर रखा है क्योंकि मैं 5 बजे उठती हूँ तो लव देखता ना मैं यूँ नहीं बैठती हूँ तो वो भी उठ जाता है मेरे साथ, 5:30 बजे से उसको परेशान कर रखा है, बुनाने से क्या जा रहे हैं बुनाने से क्या जा रहे हैं। हाँ लव सुख गया, हाथ में पकड़े रहना, मैं पकड़ू हाथ में, अरे अब तो नीचे रखा हुआ था, नहीं तो हाँ दे नीचे रखा हुआ था आपने आपके कोई और नहीं फटेगा। अच्छा सुनो, अगर फट जाता है ना वहाँ तक जाते जाते तो फिर मैं आपको दूसरा नोट दूँगा, ठीक है ना, जरा सही से रख दो लेकिन फिर भी अगर फट जाता है तो फिर मैं आपको दूसरा नोट दूँगा, ठीक है ना। हाँ वहाँ जाते एक बार देख लेना जब वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, चलो चलो आप सही बढ़ गए। अंदर हैं बूढ़े नाना जी, तो लाइट कहाँ है? दादी नमस्ते, क्या हुआ तबीयत खराब है क्या आपकी? हाँ क्या हुआ? लव अंदर अंदर अंदर, मैं मारूंगी। तो ये आ गए हम मामी के यहाँ, छोटी मामी के यहाँ, दादाजी से मिलने के बाद दादाजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो रखी, लव वहाँ परेशान कर रहा है, ये वहाँ दादी की तबीयत खराब हो रखी है ना, बस ऐसे ही थोड़ी की तबीयत खराब और ये परेशान कर रहा है, फिर दादी भी थोड़े परेशान हो रहे ज़्यादा, मैंने चल फिर यहाँ से चल, पहले मैं वहीं थी, मैं वहाँ बैठी थी, अब ये कर रहा था परेशान, अब दादी की तबीयत खराब हो रखी है ना, ये ऐसे ही कर रहा था वहाँ भी, तो दादी भी थोड़े वैसे हो रहे थे, फिर मैंने कहा चल फिर चल यहाँ से चल। हाँ अच्छा ये सुखाए होंगे अपने छत में, छुट्टी है आज किसकी छुट्टी? इनके स्कूल वाले कहीं ले गए थे, वहाँ मैंने इसको जाने नहीं दिया, तो जो बच्चे नहीं गए उनकी छुट्टी है आज, छुट्टी कर दी उनकी आज, पिकनिक नहीं ऐसी कहीं गए थे, फायर स्टेशन गए थे। सूख गए आपके कपड़े तो हैं? अरे कल के, कल के सुबह के, आज सुबह के होंगे ना, इधर ही मेरे तो सूख गए, हाँ मेरे तो हल्के हल्के रह गए थे, मैं तो अंदर ही पंखा चला के आई, मेरे को पता चले कहीं बारिश ना आ जाए। ये आ गई कशिश, आ गई सोते हुए हैं कशिश, ये देखना ये देखना, सोते हुए नहीं आई मैं, लग रहा है जो सोते हुए आई, ये देखो इस लड़की को मैंने कहा मेरे चाय बना दे, तो कह रही है कौन पीता है चाय गर्मी में, ये देखो ओहो घर में मतलब कोई आएगा है, पानी पिला दे, नहीं नहीं मैं पानी पीती हूँ, अभी मम्मी के यहाँ गए थे, मैंने क्या बोला था मैं पानी नहीं पीती हूँ कहीं जाके, चाय बनाने में इतने नखरे कशिश, ससुराल में क्या होगा बेटा, वहाँ ससुराल में सास कहेगी चाय बना तो कहेगी गर्मी में चाय कौन पीता है शाशुमा, चाय कौन पीता है? ये देखो कशिश ने कुर्ती ली, कुर्ती दिखाओ पहले ढंग से, कुर्ती दिखाओ, इसका प्राइस गेस करो, ये कह रही है कि 200 की है बट ये मुझे 200 से ज़्यादा की लग रही है, देखो क्यों, क्योंकि इसका फ्रॉक वाला लुक है यार, देखो इसमें ना कैमरे में फिर भी नहीं दिख रहा लेकिन इसमें देखो शाइनिंग भी है, ये जो वाइट वाला पोर्शन है ना इसमें शाइन है काफ़ी, पर इसमें दिख नहीं रहा, इसमें जो इसका लुक आ रहा है सामने से ना वैसा कैमरे में नहीं आ रहा, बट ये 200 की नहीं ज़्यादा की लग रही है, कह रही है 200 के लिए, झूठ बोल रही होगी, 200 की है वैसे दुकान में मिलेगी 500 400, ये 200 से तो ज़्यादा की है, ये देखो चाय आ गई, लो चाय पियो प्लेट में, अब बिस्कुट रख दे फ्रिज में, चलो कम से कम प्लेट में दवाई का हाथ में तो नहीं आई है, चलो यहाँ भी इन्होंने अपने, और एक ये इसने मशीन भी लिया, मैंने इससे कहा था मैं मुझसे बोल दियो, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, कोबा चोबा चोबा कंपनी, क्या कंपनी है, अब एक नया पिटारा निकल रहा है, आज कशिश दिखा रही है कि मेरे पास क्या क्या खजाना है, दिखा दिखा, अरे दिखा यार वीडियो मत करो, दिखा तो सही क्या है, वैसे भी मुझे वीडियो में दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है, ओ ये देखो इधर ला,
दिखाओ, ये देखो ये लाई सैंडली, कितने की लाई? ये भी 200 की है बहन। ये कहाँ मिल रही है? लक्ष्मी नगर से। वो भी तूने इसको पहन के देखा ढंग से? कहीं इसने खराब तो नहीं दे दिया 200 की तो? क्योंकि हील्स तो थोड़ी सी, हील्स तो 350 की चल रही है लक्ष्मी नगर में, 350 से। मंगल बाजार से लिया है। अब लव पहन के देखेगा। पर तू चल पा रही है? कंफर्टेबल है इसमें? हाँ कंफर्टेबल है। जा चल के दिखा, पहन के चल के दिखा। अभी तो कशिश की शादी को बहुत टाइम है, तकरीबन अभी 18 साल की नहीं है तो 8 साल तो है। इधर बन रही है हमारी कड़ी और इधर बन रहे हैं ये हमारे पकोड़े, क्योंकि मामी ने कहा आज तो बना भाई ये कड़ी पकोड़े, तो चलो बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। ये है हमारे पकोड़े। गोभी के छोटे ना? नहीं, इसमें तो गोभी के हाथों डालते हैं। मेरा बाबू अपनी मामी के जैसे होना चाहिए, इसमें वो डालते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, गैस में जैसे आज कम कर रही बंद हो जा रहा है। आज कम कर रही बंद हो जा रहा है भैया, मुझे डर भी लग रही है। अब ये पकेगा और ये कड़ी का, अब मुझे दे दो एक प्लेट, थाली जो भी है, ये प्लेट निकाल दो। अबे अरे मेरे को तो अलग से निकालना है ना। क्यों वो नहीं खाते? तू तो निकाल लो, लो मैं उसमें थोड़ा डाल रही हूँ। अभी इसमें अभी थोड़ा डालना है। क्या कह रही? वो धनिया नहीं खाता ना। अच्छा आप अपनी भुनी वाला कड़े और नहीं खा बोली ना? कौन सा धनिया? धनिया तो डाला ही मैंने। हरा धनिया ना? वो भुनी तो कड़े को नहीं। मैं तो अभी तो ये है मेरे सबसे छोटे वाले मामा अभी काम से आए हैं और कड़ी तो बनी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इनको पकोड़े खिला, एक बार पकोड़े खा के मामा बताना कैसे बने। कोई बात नहीं, एक बार पकोड़े खा के बताओ मामा कैसे बने। आओ कहाँ चल दिए, ये वीडियो बनाते हैं, ये चद्दर बदर को ठीक करने लग गए। नहीं नहीं मामा, इसको बाहर नहीं जाने देना। मामा खा के देख के बताओ कैसे बने हैं। बना रही तो क्या हो गया, अब सच सच बताना। ना प्याज के लो, आपको खा के भी पता नहीं चल रहा। ये मेरे मामा मुझसे कह रहे हैं थोड़ा खर्चा पानी दे दे, कि मैं जब मैं छोटी थी ना तो रोज स्कूल जाने से पहले मेरे मामा मुझे 1 रुपये देते थे। तो मेरे मामा कह रहे वो जो 1 रुपये देता था ना तो पूरे मिला के 1 करोड़ रुपए हो गए। तो वो मुझे 1 करोड़ रुपए देते हैं आजकल के हिसाब से है मामा। उस टाइम का वो 1 रुपया था, रोज का 1 रुपया लगा लो मामा। अब 1 रुपये का 50 रुपये हो गया। हाँ अरे आरुष मामा जी तो शर्म के मारे। हाँ लव, वो खाना भी नहीं खाया जा रहा है। लव नहीं, ये नहीं करते, ऐसे नहीं करते। खाना खाओ, नहीं खाना है, कौन खाएगा फिर? अब मैंने कहा था ना, तभी मैंने कहा था मैं अपने में से दे दूंगी, वो खाता ही नहीं। ये देखो जैसे ही मैं लव को मैंने नहलाया, यहाँ पर बिठाया, मैं नहाने गई, तब तक लव सो गया, थक गया बेचारा। अब मैं भी सो जाती हूँ और अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ।